स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। बर्मिंघम से आकाश चोपड़ा भी हैं, हरभजन सिंह पीछे से अभी शायद भागते भागते नजर आएंगे, क्योंकि ये कनाल जो है वो छलांग लगा के तो नहीं आ सकते थे। लेकिन एक ऐसा मैच हुआ, एक ऐसा दिन हुआ जहां पर लग रहा है कि एकदम से भारत की टीम की और वर्ल्ड कप की तस्वीर बदल गई है। अब भारत एक मैच क्या हारा, सवाल उठने शुरू हो गए। धोनी केदार जाधव पर सवाल है, सलामी बल्लेबाजों ने 48 डॉट बॉल क्यों खेली उस पर सवाल है, लेकिन खबर यह भी है कि विजय शंकर इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। विजय शंकर इस वर्ल्ड कप से बाहर, चोट थी। अब मयंक अग्रवाल, सलामी बल्लेबाज अब टीम में आ गए हैं, और कल की टीम के लिए, कल के मैच के लिए जो बांग्लादेश के खिलाफ है, अब भारत के लिए भी मस्ट विन हो गया है। दो बदलाव की उम्मीद है। केदार जाधव, जिनके कल 13 गेंदों ने शायद उनको इस वर्ल्ड कप टीम से 11 से बाहर कर दिया है, उनकी जगह खेलेंगे दिनेश कार्तिक, और भुवनेश्वर कुमार आ जाएंगे कुलदीप यादव की जगह। ये पैनिक सिचुएशन तो नहीं होगी अचानक से? आई होप दैट्स नॉट द केस, लेकिन बात आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, और मेरे विचार में थोड़ा सा ना वो सॉफ्ट टारगेट है। अगर आप केदार जाधव के सर पे वो मतलब ठीकरा फोड़ने वाले हैं, आप कहें कि ये एक आदमी है जिसकी वजह से भारत हार गया, तो इससे ज्यादा मतलब वो बड़ा झूठ तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अरे 100% ये तो किससे बड़ा, किससे बड़ा केदार जाधव जी, जब 5 ओवर में भज्जू चाहिए हो कुछ 75 रन, हाँ जी, और वो आए जब बैटिंग करने आए तो 12-13 बॉल में 12-13 रन बना पाए, तो अब यार मैच का मुजरिम वो तो नहीं है ना यार। क्योंकि आकाश ग्राउंड से मैच देख रहे थे, हम काफी क्लोजली फॉलो कर रहे थे मैच में क्या हो रहा है, वो एक बड़ा कारण नहीं था, बड़े कारण और थे, जो पहले 10 ओवर थे उसमें रन नहीं आए वो बड़ा कारण था, और उसके बाद जब आप सोचते हो कि गेम को डिले कर दें, बहुत पास ले जाएं, वो बहुत बड़ा कारण था। आपको गेम खत्म करने के लिए देखना है 49th ओवर में, 48th ओवर में, आप 50वें ओवर तक गेम को लेके जाओगे वो ठीक है, आप समझते हो आप कर सकते हो, जिस दिन नहीं होगा उस दिन फिर यही होगा। यही सवाल मैंने आपको कल मैच के बाद पूछा भी था कि दो फार्मूला कल दिखे थे, एक फार्मूला था जो जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय की पार्टनरशिप थी, हर गेंद पर उड़ाएंगे, अगला आने वाला बैट्समैन जो करेगा करेगा, और एक भारत का फार्मूला है कि विकेट बचा के रखो, एंड में जाके देखते हैं क्या होगा। 48 डॉट बॉल भारत ने पहले 10 ओवर में खेले हैं, और धोनी पर भी सवाल है। अच्छा आप देखिए, अगर भारत सिर्फ इस मैच को हार जाता शायद इतने सवाल नहीं खड़े होते, लेकिन सवाल इसलिए ज्यादा हो गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो कि 24 घंटे पहले कह रहे थे इंडिया इंडिया, आप कह रहे हैं लो जी इंडिया ने तो मैच जानबूझ के गवा दिया, हार से हाहाकार मच गया है। पूरी कहानी आपने देख ली, बातें भी आपने सुन ली, लेकिन बातें तो आपको आगे भी करनी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप गलती करते हैं, जीत जाते हैं पता नहीं चलता, जिस दिन हारते हैं उसी दिन आंखें खुलती हैं। अच्छा आंखें भी तब खुली हैं, ये हकीकत है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आवाज़ आ रही है, पाकिस्तान पहले भी आवाज़ आ रही थी, अब चूंकि इंडिया हार गया तो उनकी आवाज़ और बुलंद हो गई है। देखिए पाकिस्तान की तो मैं वैसे सुन नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि इस वजह से नहीं सुन रहा हूँ कि जब आपका अपने आप से काम ना चल रहा हो, दूसरे की तरफ पड़ोसी की तरफ देख रहे हो कि हेल्प करो, तो फिर पहले अपने गिरेबान में झांको, आप अच्छा खेलें। अफगानिस्तान से तो हारने वाले थे मैच, आप बड़ी मुश्किल से जाके मसा मसा एंड में मैच जीते हो, तो खैर अपने घर में देखें कि घर ठीक करें, बाहर की बात बाद में करें, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से अगर आप सोचें तो इस हार का महत्व बहुत ज्यादा है। आपने ये जो 2 अंक गवाए हैं, अब आप नंबर 1 पे नहीं जाएंगे, नंबर 1 पे नहीं जाएंगे तो आपको न्यूजीलैंड नहीं इंग्लैंड मिलेगा, इंग्लैंड इसी मैदान पे मिलेगा दोबारा, कहीं खुदा ना खास्ता आप उस दिन टॉस हार गए और यही सपाट पिच हुआ तो ये दोबारा कहानी दोहराई जा सकती है, ये पॉसिबल है। जब इंग्लैंड के खिलाफ हम यहाँ खेलने आए थे, हम वनडे सीरीज भी यहाँ हारे थे, और वो नंबर 1 टीम है, उनका एक टेम्पलेट है, तो वर्ल्ड कप से पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड को अवॉइड करना है। लेकिन अब इस हार की बात करें, मतलब है तो थोड़ा सा अजीब कि आप 338 चेज करते हैं, 338 तो आजकल पाजी चेज होता है, उस टीम के खिलाफ जो 370-375 बना रही थी एक महीना पहले तक। अच्छा 338 आप चेज कर रहे थे, आपकी 5 ही विकेटें गिरती हैं, आप ऑल आउट भी नहीं होते हो, और आप फिर एंड में जाके 10 ओवर में 72 रन ही बनाते हो। मुझे दरअसल कोई चीज़ें ऐसी हैं कल नहीं समझ आई, पहले 10 ओवर में 28 रन और आखिरी 10 ओवर के 72 रन। जी वही 10 ओवर तो है जो वो मैच भारत की तरफ नहीं उनकी तरफ ख़त्म कर गए हैं, तो ये अब हम बात कर रहे हैं कि मैच का रिजल्ट होना हुआ है उसका कारण भी हम सबको पता है, आई एम श्योर टीम को भी पता है कि ये पहले 10 ओवर में सिर्फ 27 या 30 रन ही आए हैं, तो अगर वैसे रन बनेंगे तो फिर आप नीचे वाले क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हो, और आप फिर सोचते हो कि लास्ट में गेम को और आगे ले चलते हैं।
48 में नहीं, 49 में नहीं, 50 में ख़त्म करेंगे, लास्ट ओवर में अगर 15 भी रहते होंगे बन जाएंगे, ज़रूरी नहीं है बन जाएंगे। आप पहली हिट मारने जाओगे उसमें अगर पकड़े गए तो फिर वो 15 नहीं, आपसे 3 या 4 ही बनेंगे लास्ट ओवर में भी। तो कहीं ना कहीं गेम को शायद ठीक तरीके से हमने समझा नहीं, उसको प्लान ठीक से नहीं किया, और हमें लग रहा था क्योंकि वो हम 330-340 चेज़, ये टीम अगर कोई कर सकती है तो भारत ही कर सकती है, इनके पास बल्लेबाज हैं ऐसा क्यों, पर ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का थोड़ा सा प्रेशर जो है ना वो अलग है, और अभी ये नॉकआउट गेम नहीं थी, नॉकआउट में प्रेशर और बड़ा होगा, और अगर खुदा ना खास्ता जैसे आकाश ने कहा है कि दोबारा अगर हमें इंग्लैंड मिलती है और यही सिचुएशन होती है तो फिर प्रेशर जो है ना इससे कहीं ज़्यादा होगा, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोहित शर्मा पे भी डबल हो जाएगी, और विराट कोहली पे तो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा कि मुझे रन बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो नीचे के लिए मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। हालांकि मैच के बाद अगर आप देखें विराट कोहली से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर हैप्पी, आमतौर पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं सब कुछ ठीक गया, उन्होंने कहा कि हमें रीअसेस करना है, हमें देखना है कि वे डिड वी गो रॉन्ग। हालांकि एक फेज ऐसा था जब वह खुद भी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ये सवाल का जवाब अगर आप उस पर पर्दा डाल देंगे तो फिर नॉकआउट मैच में किसी भी दिन परेशान हो सकता है, ये एक फियर था कि अगर भारत बड़ा चेज कर रहा होगा क्या आपके नंबर 5, 6, 7 आपको मैच जिता सकते हैं। केदार जाधव पर तो खैर गाज गिर रही है, कल वो कल बांग्लादेश वाले मैच के 11 में नहीं होंगे, लेकिन भारत को अब अचानक से ये याद आ गया है कि इस मैच को जीत के ही तो सेमीफाइनल में जा सकते हैं। अब बांग्लादेश के साथ मुकाबला है, पहले तो बांग्लादेश का मुकाबला किसी को याद नहीं आ रहा था, अचानक एक मैच के बाद याद आ रहा है क्योंकि आधिकारिक तौर पर टेक्निकली अभी तक भारत ने क्वालिफाई नहीं किया। एक ऐसी टीम जो भारत को परेशान करती है, लेकिन वो ग्लास सीलिंग होती है ना, वो तोड़ नहीं पाई है कि परेशान करती है, इरिटेट करती है, हरा नहीं पाती, उसी विकेट पे मैच है जिस पर कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ। देखिए मुकाबला कड़ा होगा और चुनौती भरा होगा, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को आप कम आंक सकते हो किसी से, और जब उनके कई प्लेयरों से बात करते हैं ना वो हमेशा ये मानते हैं कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, हालांकि भारत को नहीं हराया, भारत तगड़ी टीम है उसमें कोई शक नहीं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको लाइटली ले लें बांग्लादेश को और सोचें कि ये हमें हरा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, और क्रिकेट इज़ अ फनी गेम एंड वी डोंट वांट टू बी ऑन द सेम बोर्ड कि अच्छा यार बांग्लादेश से अगर हम हार गए तो फिर हम कहाँ फिनिश करते हैं, उनके साथ हमें अपना ए प्लस गेम खेल के ख़त्म करना है।